योग दिवस पर सुनाना है कैमरा स्व उपचार, ये योग पर योग के क्या क्या फायदे हैं उसकी बात इसमें है कि जो आला से आला बीमारी भगाना है, जो आला से आला बीमारी भगाना है, रोज कई बार खूब ताली बजाना है, हाथों के एक्यूप्रेशर पॉइंट एक्टिवेट हो जाते हैं, कई बीमारी ठीक हो जाती है। जो अपने मुखड़े पे लाली लाना है, जो अपने मुखड़े पे लाली लाना है, पैरों के तलवे जोर से घिसाना है, जो तन पे अनंत, तन में अनंत ऊर्जा जगाना है, जो तन में अनंत ऊर्जा जगाना है, हथेलियां आपस में खूब मलना है, जो असमय बुढ़ापा नहीं बुलाना है, निरंतर दोनों हाथ नख रगड़ाना है, जो तन मन की सुस्ती हराना है, हमेशा खुलकर हंसना हंसाना है, जो स्वयं को सदा सक्रिय रखना है, प्रातः नियमित बाग में टहलना है, जो सर्व रोगों से पीछा छुड़ाना है, रोज 10 मिनट दौड़ लगाना है, जो मन हो खिलवाड़ा आड़ा मारना है, पहले आनंद मन अंकित करना है, आखिरी लाइन कोई रोग करके भटकने न देना है, संपूर्ण योग नृत्य बस होने देना है, नृत्य को लौटने पर रोज करना चाहिए। हमारे परम मित्र दुर्गालाल जी जोशी और भाभी जी बीना जी चतुर्वेदी ने इतनी जहमत उठाई, तकलीफ उठाई, खेमाना जो है एक बार फिर सम्मान उन्होंने किया, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया आभार धन्यवाद। विदेश से लौटने पर हमारी तरफ जो आला से आला शुभकामनाएं है, और इसी प्रकार आप जो आला से आला बनाना है रोज कई बार बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हाथों के एक्यूप्रेशर पॉइंट एक्टिवेट हो जाते हैं, कभी बीमारी ठीक हो जाती है, जो अपने मुखड़े पे लाना है, पैरों के तलवे जोर से घिसाना है, जो तन में कश्मीर नहीं है, ऊर्जा जगाना है, भारत है, जो तन में अनंत ऊर्जा जगाना है, हथेलियां आपस में 81,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र आज पाकिस्तान के कब्जे में है, 40,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र चीन के कब्जे में है, दोनों भारत दो सदनों में प्रस्ताव पारित हुआ और एक भी व्यक्ति नहीं था जिसने विरोध किया, उसका रोकना है, प्रस्ताव है कि हम हमारी जमीन वापस लेकर रहेंगे, सौभाग्य से आज वातावरण भी अनुकूल है और हम सब इसके लिए तैयार भी लग रहे हैं। मैं एक एक चेहरे को देख रहा हूँ, जैसे यार दोस्तों सूरज की ऊर्जा आपके अंदर समाहित हो गई, ऐसा महसूस हो रहा है, आपकी उम्र चाहे कुछ भी हो लेकिन 1,000 सूर्य आपके अंदर बैठे हुए हैं, ऐसा आपके चेहरों से मुझे लग रहा है, आपकी आंखों से लग रहा है। तब आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, ऐसा नहीं हुआ पुलवामा में हमला हो गया, उरी में हमला हो गया, वहां से आगे लोगों ने कर दिया, ऐसा नहीं है। दो पंक्तियां पढ़ता हूँ, अगर आपको लग जाए कि मैंने सत्य कह दिया वकील साहब तो फिर आगे बढ़ूंगा, अगर मेरी बात असत्य है तो यही विराम चिन्ह देके अपना स्थान ले लूंगा। हार नहीं मानी थी हमने युग के चांद सितारों से, हार नहीं मानी थी हमने युग के चांद सितारों से, लेकिन अक्सर हार गए हम घर के ही गद्दारों से। योग के क्या क्या फायदे हैं, जिम्मेदार लोगों की उपस्थिति, इसलिए निवेदन करना चाहता हूँ, आला बीमारी भगाना है, बहुत से ज्यादा पत्र लिख चुका हूँ, आला से आला बीमारी हो सकता है मेरी सुनवाई हो जाए, लेकिन आज मुझे पक्का विश्वास है कि 100 पत्रों की सुनवाई हो न हो आलमीय जनता विराजमान है, इसलिए मेरी सुनवाई हो जाएगी। हार नहीं मानी थी हमने सितारों से, लेकिन अक्सर हार गए हम घर के ही सितारों से, इसीलिए दो मुल्क हमारी धरा दबाए बैठे हैं, सैनिक योद्धा दबाए बैठे हैं, माल भाल की माता है, ये तो केवल व्यक्ति नहीं स्वाभिमान की स्वर्ग धरा है, असुरों की जागीर नहीं, जिस धरती पर उसकी गौरव गाथा अंकित है, खंड खंड भूखंड जोड़कर भारत माता अंकित है। सुखपाल जी प्रेस क्लब के हमारे अध्यक्ष जी बढ़ा चुके हैं, आपका स्वागत अभिनंदन। हमेशा खुलकर हंसना हंसाना है, बड़ा सुनने की तरह सुनो यार, मैं ऐसे कविता सुनाने का आदि भी हूँ, मुझे आदत नहीं है, मुझे घनघोर तालियों में कविता सुनाने की आदत है, मुझे जब सामने कविता सुनाता हूँ तो तालियां ऐसे बजती हैं जैसे आसमान तालियों पर नाच रहा हो,
मुझे लगता है कि आपकी जब तालियां बजती है तो देश की सीमा पर खड़ा हुआ सैनिक जो राइफल तान कर देश के दुश्मनों को साध रहा हो, उसकी नाल पर जमी हुई बर्फ भाप बनकर ऊपर जा रही हो, ऐसा महसूस होता है। तालियों में दम नहीं है। दशक से जमी दर्द को बल में झाड़ दिया हमने और वक्ष वक्ष में हमें तिरंगा झंडा गाड़ दिया हमने और दफा 370 वाला पन्ना फाड़ दिया हमने।